हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टेक मोबर यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को एंजॉय करे होंगे। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे से आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर अक्सर आपको अपने फ़ोन में OS अपडेट का मैसेज आता होगा। कुछ लोग तो इस अपडेट को काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं और तुरंत ही अपडेट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस अपडेट को सीरियसली नहीं लेते हैं। हालांकि अधिकांश मोबाइल यूजर्स इसलिए अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा की खपत होती है। परंतु आप यह नहीं जानते हैं कि फ़ोन में अपडेट की अनदेखी करके आप अपने फ़ोन को नया फीचर से बचा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को भी डाउनग्रेड करते हैं। सिर्फ 1 GB या फिर 2 GB डाटा के लिए आप फ़ोन के साथ खिलावट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको OS अपडेट के 5 फायदे बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर किसी का भी अपडेट आता है तो उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर किया जाता है और सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाया जाता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पुराने एंड्रॉयड फ़ोन और नए एंड्रॉयड फ़ोन के फीचर में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप की भी यदि पहले से तुलना करते हैं तो काफ़ी बदलाव दिखने को मिलता है। आपको लगता होगा कि ये फ़ोन का फीचर है जबकि ऐसा नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में अपडेट के माध्यम से कंपनियां हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन में नए नए फीचर जोड़ती हैं, इसलिए अपने फ़ोन को ज़रूर अपडेट करें। दोस्तों, OS या फिर एप्लीकेशन अपडेट में कंपनी इस बात की भी कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर को तेज़ किया जा सके जिससे कि यूजर्स आसानी से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें। दोस्तों, वहीं अपडेट में सॉफ्टवेयर को नए हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबिलिटी भी बनाने की कोशिश की जाती है ताकि फ्यूचर में यदि फ़ोन या फिर सिस्टम के हार्डवेयर में किसी तरह की कुछ बदलाव हो तो सॉफ्टवेयर रन कर सके। अक्सर लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि एप्लीकेशन फ़ोन में वर्क नहीं कर पा रहा है या फिर एप्लीकेशन बार बार क्रैश कर रहा है। ये सारी परेशानियों पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला या फिर एप्लीकेशन बनाने वाला कंपनियां इन चीज़ों पर नज़र बनाती रखती है। ऐसे में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। एप्लीकेशन में आ रहे एरर को दूर करके फंक्शनैलिटी को बेहतर किया जाता है इसे अपडेट के माध्यम से। किसी भी OS या फिर सॉफ्टवेयर का उपयोग पर कंपनियाँ करीबी नज़र बनाए हुए होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि सिस्टम को आसान बनाया जा सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसे जुड़ सकें। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला समय समय पर अपडेट देते हैं जिससे यूजर्स को नया इंटरफेस मिले और नया फीचर मिले जिससे उनको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इसीलिए आप लोग हमेशा अपने फ़ोन को अपडेट रखें। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।